Hey everyone, welcome back to my channel. Today's recipe is mushroom naan. मशरूम नान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप मैदा और एक कप आटा लेंगे. आप चाहें तो सिर्फ मैदे से या फिर सिर्फ आटे से भी नान तैयार कर सकते हैं. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है. सोडे के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक. और सबसे पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को भी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही. दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को नरम गूंथ लेंगे. यहाँ मैं गुनगुने पानी का यूज़ कर रही हूँ. ध्यान रहे कि नान का जो आटा होता है वो रोटियों के आटे से थोड़ा सॉफ्ट होता है. जब सारा आटा एक साथ आ जाएगा तो उसके बाद हम उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करेंगे. और इस आटे को हमें कम से कम 5 मिनट तक गूंथना है ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए और सॉफ्ट हो जाए. आटे को हमने 5 मिनट तक गूंदा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आटा अभी स्टिक होना बंद हो गया है. इसका मतलब ये है कि हमारा आटा अभी एकदम रेडी है रेस्ट करने के लिए. इसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इस आटे को हमें कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देना है ताकि हमारे जो नान है वो बहुत अच्छे से बन पाए. इस आटे को हमें गीले कपड़े से ढक के किसी गर्म जगह पे रखना है. मशरूम नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पैकेट मशरूम ली है जो कि बटन मशरूम है. इसको मैंने पहले साफ़ पानी में अच्छी तरह से धो लिया है और इसके ऊपर जो भी गंदगी थी जो भी डर्ट थी वो मैंने हटा दी है. उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछा है ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना रहे. इसके बाद हमें इसको बारीक चॉप करना है. मशरूम के अलावा मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले रही हूँ और इसको भी मैं एकदम बारीक कट करूँगी. मशरूम के नान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब मशरूम गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा मशरूम के नान बनाने के लिए. मशरूम को बारीक चॉप करने के बाद हम लेंगे एक कढ़ाई. कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम. मशरूम को हमें लगातार चलाते रहना है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मशरूम ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है. हमें मशरूम को हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि जो पानी मशरूम छोड़ेगी वो जल्दी से सूख जाए. और इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे हाई फ्लेम पे. जब मशरूम का पानी सूख जाएगा तो हम उसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और ज़्यादा पानी ना छोड़े. तो मशरूम जब ठंडी हो गई थी तो मैंने यहाँ उसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है और टिश्यू पेपर के साथ ढक दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर सोख ले. उसके साथ ही मैंने प्याज को बारीक बारीक काट के उसको टिश्यू पेपर पे फैला दिया है.
अब हम तैयार करते हैं इसका मसाला। मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाले ले सकते हैं। मसालों को हम साइड में रख लेंगे। 1 घंटे के बाद जब आटे को देखेंगे तो ये थोड़ा फूल चुका है। इसको एक बार फिर से गूंथ लेंगे। आटे को गूंथने के बाद आपको इससे जितने नान तैयार करने हैं इसको उतने ही पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद हम तवे को गर्म होने के लिए रखेंगे। ध्यान रहे कि तवा नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए और इस पर कोई भी ऑयल या चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। तो नान बनाने के लिए हम सबसे पहले आटे को एक गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में सूखा आटा यूज़ ना करें। इसके बाद हम एक बोल लेंगे, उसमें थोड़ी मशरूम, प्याज और जो मसाला हमने बना के साइड में रखा था 1 टेबलस्पून वो मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला इस टाइम हमें इसलिए तैयार करना है ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो मसाले सोख लेंगे और स्टफिंग करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद पराठे की तरह नान में भी हम स्टफिंग भर लेंगे और इसके बाद हमें इसको उंगलियों से हल्का हल्का दबाते हुए बेल लेना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं वरना जो नान है वो फट सकता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सूखा आटा इस पे लगा हुआ है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद हमें इसके एक साइड पे पानी अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि किनारों तक अच्छी तरह से पानी अप्लाई करें वरना जो किनारे हैं वो तवे पे नहीं चिपकेंगे। पानी वाली साइड को नीचे की तरफ रखते हुए हम इसको गर्म तवे पे डाल देंगे और इसके किनारों को हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि किनारे अच्छी तरह से चिपक जाए तवे पे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम तवे को उल्टा करके नान को फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम के ऊपर हमें नान को पकाना है, ना कि फ्लेम के अंदर, ताकि जो नान है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए लेकिन जले नहीं। तवे को इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहें फ्लेम के ऊपर ताकि जो नान है वो सारी साइड से इक्वली पके। जब नान पे बढ़िया कलर आ जाएगा तो हमें इसके किनारे भी पका लेने हैं ताकि नान के किनारे भी क्रिस्पी हो जाए। नान को इस तरीके से कुक करने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद हम नान को तवे से उतार लेंगे और जो नीचे वाली साइड है इसकी जो हमने तवे पे चिपकाई थी उसको एकदम लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। और जब हमारा नान अच्छी तरह से सिक जाएगा तो इसके फौरन बाद इस पे घी या बटर लगाएं। इसी तरीके से बाकी के नान भी बना के तैयार कर लेंगे और ट्राई करें नान को गर्मा गर्म सर्व करने के लिए, क्योंकि गर्म गर्म नान बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।